रंग संवाद एक सीरीज है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं पिछले भैया चार पांच जयरंगम से, ये पांचवा जयरंगम है भैया जब रंग संवाद हो रहा है, चुलिया भाई उसमें हम कोशिश करते रहे हैं कि हम कुछ सार्थक विषयों पर बातचीत करें। और बहुत छोटा समय होता है पर उसमें भी हम कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर निकाल पाते हैं जिनसे बात आगे बढ़े, कुछ समस्याओं पर और कुछ थिएटर के विकास पर भी बात की जाए। तो आज जब ये टॉपिक था कि नारी, रंगमंच और दुविधा, तो मैं इसके ऊपर बैठकर सोच रही थी कि इसकी बातचीत को शुरू कैसे किया जाए। तो मुझे वसुधा सरस्वती की एक किताब मिली और उसके पहले तक मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि थिएटर में फीमेल्स मिलना बड़ा मुश्किल है। जब आप नाटक उठाते हैं तो महिला कलाकारों के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि कौन करेगा, और मिलने मुश्किल हो जाते हैं लोग। पर जब मैं वो किताब देख रही थी तो उसमें जयपुर का जो रेफरेंस था उसमें सबसे ज़्यादा नाम थे महिला कलाकारों के। मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय था क्योंकि अभी भी जब हम नाटक उठाते हैं तो बहुत मुश्किल से महिला कलाकार मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो उनकी अपनी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। और जैसा कि अभी सर्वेश ने कहा कि शुरू शुरू में जब नाटक शुरू हुआ तो या उस वक्त का तो पता नहीं, पर बीच का एक दौर पूरा ऐसा गुजरा जहाँ पर पुरुष ही स्त्री पात्र भी करते थे। तो जब स्त्रियाँ रंगमंच में आईं तो उनके लिए कई वर्जनाएँ थीं। और एक दूसरी बात जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगती है कि हमारी सोसाइटी ने फ्रेम्स डिसाइड किए हुए हैं फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स, और कंडीशनिंग वैसे ही होती है। मतलब अगर एक परिवार में दो थिएटर के लोग हैं तो अगर पुरुष 7 बजे रिहर्सल पर जाता है तो महिला उठेगी, पुरुष के लिए तैयारी करेगी, टिफिन भी तैयार करके देगी और वो थिएटर करने निकल जाएंगे। पर अगर महिला को थिएटर रिहर्सल में 7 बजे जाना है तो वो पुरुष के लिए पूरे दिन का इंतजाम करके फिर रिहर्सल पर निकलेगी। तो ये एक हमारी कंडीशनिंग है, और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। और न सिर्फ थिएटर मंच पर करने में, थिएटर ऑर्गेनाइज करने में, थिएटर को देखने सुनने में, और फिर थिएटर से फिल्म और टेलीविज़न पे जाने में। तो सबसे पहले तो मैं सादिया से पूछना चाहूँगी कि सादिया, कैसे अब तक का सफ़र कैसे तय किया, और उसमें महिला होने के नाते क्या कोई फ़र्क था, और अगर था तो कैसे था, और नहीं था तो क्यों नहीं था? मेरा एक्सपीरियंस, मैं बॉम्बे की बात कर सकती हूँ कि बॉम्बे में थिएटर करने के लिए, जो बॉम्बे में, क्योंकि मैं बॉम्बे में पैदा हुई, बॉम्बे में बड़ी हुई, तो मुझे इस तरह के जो लोग हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थिएटर में, बल्कि बहुत लड़कियां हैं और बहुत सारी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं हु आर ऑल्सो सिंगर्स, हु आर ऑल्सो डांसर्स, सो इट्स वेरी इजी इन फैक्ट। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि वी नीड ओनली 3 गर्ल्स बट देर आर 6, सो यू दे कैन डू बैक स्टेज एंड देन दे कैन, वी हैव मोस्टली वी हैव डबल कास्ट, तो एक ही रोल दो लोग कर रहे हैं ताकि डेट की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बॉम्बे में सिनेमा भी है और टेलीविज़न भी है, जहाँ जहाँ पे लोग अपना ब्रेड बटर वहीं से कमाते हैं, ये थिएटर में तो पैसे नहीं है, तो डबल कास्ट ज़रूरी हो जाती है ताकि डेट क्लैश ना हो। पर मैं अभी रिसेंटली एक लड़की से मिली थी अपनी शूट में, वो छत्तीसगढ़ से आई है और वेरी यंग, वेरी स्वीट गर्ल, शी इज़ आई थिंक 18 होगी, 18 या 19, शी इज़ नॉट इवन 20। तो उसने ये कहा कि मेरी ज़बरदस्त मेरी शादी हो जाती, और घर वाले बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे कि मैं एक्ट्रेस बनूं, और अब मैं सबको नाराज़ करके यहाँ बॉम्बे आ गई हूँ एक्ट्रेस बनने के लिए। तो ये चीज़ मुझे नज़र आती है कि ये बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के शहरों में है ये चीज़, कि अगर आपको एक्ट्रेस बनना है तो कहते हैं कि नहीं, उस फील्ड में मत जाना। ओके, उस फील्ड के भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है हर फील्ड में हैं।